सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। अब भाभी जी आपको घर में नहीं मिलेंगी, भाभी जी अब कांग्रेस में मिलेंगी। जी मैं बात कर रहा हूं टीवी बहुचर्चित टीवी सीरियल भाभी जी घर में है, जो अंगूरी भाभी थी अब उनको आपको कांग्रेस में मिलेंगी। उन्होंने कांग्रेस की दामन थाम लिया है, आइए विस्तार से जानते हैं। टीवी सीरियल की भाभी जी घर पर हैं। चर्चा में आई शिल्पा शिंदे ने राजनीतिक में एंट्री कर लिया। राजनीति के मैदान में उतरने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का थामा है। शिल्पा शिंदे का राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का फैसला सही साबित होगा या नहीं है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शिल्पा को सोशल मीडिया पर उन्हें के अंदाज में सलाह दी जा रही है। फैंस ने कमेंट कर भाभी जी इस बार गलत पकड़ी है। शिल्पा शिंदे सीरियल भाभी जी घर पर है चर्चा में आई थी, लेकिन सीरियल के प्रोड्यूसर से विवाद के बाद उन्होंने सीरियल छोड़ दिया था। इस सीरियल में उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक अलग ही अंदाज था जिसे काफी पसंद किया गया था। वह हर बार अंग्रेजी का कोई गलत शब्द बोल देती थी, सामने वाला उन्हें उसे सही कर बताता था, जिसे भाभी जी कहती थी आप सही पकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने को लेकर शिल्पा सोशल मीडिया पर काफी ट्रायल हो रही है। लोग मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं। अंगूरी भाभी को एक फैंस ने कमेंट किया इस बार गलत पकड़े हैं। एक फैंस ने कमेंट में किया कि इस बार गलत पकड़ा है, मैं शिल्पा शिंदे का प्रशंसक हूँ लेकिन कांग्रेस वाली शिल्पा का समर्थन नहीं कर पाऊंगा। एक फैंस ने तो शिल्पा शिंदे को पागल तक करार दे दिया। ट्वीट पर शिल्पा के अन्य फैंस के कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप ड्रामेबाज हैं तो कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागत है। अन्य यूजर्स ने लिखा है कि अंगूरी भाभी अब पप्पू को सपोर्ट करेंगी। उधर कांग्रेस के नेता शिल्पा का स्वागत किए। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि शिल्पा शिंदे जैसी सख्त महिला के जुट जाने से कांग्रेस पार्टी और भी मजबूत होगी। बता दें कि शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर छोड़ने के बाद रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 की हिस्सा भी रह चुकी थी। शिल्पा शिंदे बिग बॉस की सीजन की विनर भी थी, लेकिन बाद में उन्हें टीवी का कोई फील्ड में कोई बड़ा ब्रेक ना मिला। शायद यही वजह है कि शिल्पा ने अब राजनीति के क्षेत्र में उतरने का निर्णय ले लिया। आज यहाँ हमारे बीच मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे जी आई हैं और कांग्रेस पार्टी का बुनियादी तौर पर ऑफिस देखने मिलने जुलने आई, लेकिन दिल में आया कि अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ जाए। क्यों ये आप उससे पूछने के लिए बेहतर रहेगा। मैं एक अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में और कांग्रेस पार्टी में इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके लिए सबसे पहले शामिल किया। मैडम इधर साहब इकड़े मैडम और इसी तरह की खबर देखने के लिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।